नमस्कार एस न्यूज में आपका स्वागत है पेश है तेरह जुलाई गुरुवार सुबह सवा छह बजे राजस्थान की बड़ी खबरें केंद्र सरकार ने देश भर में टमाटर की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए प्लान तैयार किया है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन से आंध्र प्रदेश कर्नाटक और महाराष्ट्र से टमाटर खरीदने और उन क्षेत्रों में वितरित करने के लिए कहा है जहां टमाटर की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं देश में ज्यादातर जगहों पर टमाटर की कीमतें सौ रुपए के पार पहुंच गई हैं सरकार ने कहा कि जिन सेंटर्स पर टमाटर का ये ताज़ा स्टॉक जारी किया जाएगा उनकी पहचान पिछले एक महीने में रिटेल प्राइस में बढ़त के आधार पर की गई ग्रेटर नोएडा में बागेश्वर वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार में बुधवार को भीड़ ज्यादा होने से भगदड़ मच गई गर्मी उमस होने से कई लोग बेहोश हो गए दस लोगों को गंभीर चोटें आई हैं सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया है घटना के वक्त कार्यक्रम में पांच लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे दिव्य दरबार में अर्जी लगाने की होड़ मची थी भीड़ बेकाबू हो गई और अफरा तफरी मच गई बताया जा रहा है कि वीआईपी पास से पीछे छोटे से गेट से एंट्री करवाई जा रही थी वहां पर बिजली के तार होने से एक महिला को करंट लगा है घायल हुए लोगों में ज़्यादातर बच्चे बुजुर्ग और महिलाएं हैं करीब 10 साल पुराने एकल पट्टा प्रकरण में मंत्री शांति धारीवाल सहित रिटायर्ड आई अधिकारी जी एस संधु निष्काम दिवाकर और आर अधिकारी ओंकार मल सैनी को हाई कोर्ट से राहत मिली है हाई कोर्ट ने मामले में याचिकाकर्ता दिवंगत रामचरण सिंह के बेटे सुरेंद्र सिंह को सीबीआई जांच वाली याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है इस पूरे मामले में जी ने गणपति कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर शैलेन्द्र गर्ग के नाम एकल पट्टा जारी किया था जिसकी शिकायत परिवादी रामचरण सिंह ने 2013 में एसीबी में की थी। कांग्रेस ने एवं सेवा कर जीएसटी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) के दायरे में लाने को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किया कि सरकार को बताना चाहिए कि उसे ये कदम उठाने की क्या जरूरत पड़ी कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बुधवार को दिल्ली पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जीएसटी के साथ PML को जोड़कर सरकार एक साथ दो निशाने चाहती है इस कदम से वो एक तरफ जहां बाजार की कमर तोड़ना चाहती है तो दूसरी तरफ विपक्ष को नियंत्रित करना चाहती है नॉन आर एस से आई एस पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक जारी रहेगी बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सरकार ने जवाब देने के लिए समय मांगा जिसके बाद जस्टिस एम एम श्रीवास्तव की खंडपीठ ने प्रक्रिया पर रोक बढ़ाते हुए 31 जुलाई को सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी है सरकार की ओर से महाधिवक्ता एम एस सिंह भी अदालत में पेश हुए थे वहीं नॉन स्टेट सिविल सर्विसेज एसोसिएशन की ओर से भी मामले में पक्षकार बनने के लिए एप्लीकेशन लगाई गई जिस पर हाईकोर्ट ने एसोसिएशन को मामले में इंटरविनर बनाया राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत करने वाले भाजपा विधायक पुणेश मोदी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है उन्होंने कोर्ट से मोदी सरने मामले में राहुल के पक्ष के साथ साथ उनका पक्ष भी सुनने की अपील की है पुर्णेश का कहना है कि अगर राहुल गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो कोर्ट को उनका पक्ष भी सुनना चाहिए बिना किसी का पक्ष सुने कोई भी आदेश जारी ना किया जाए 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल एक बार फिर 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में मीटिंग करेंगे इसमें 25 दलों के शामिल होने की संभावना है 17 जुलाई को मीटिंग के पहले दिन सोनिया गांधी ने आम आदमी पार्टी समेत सभी दलों के नेताओं को डिनर पर बुलाया है बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने तेईस जून को पटना में पहली बैठक बुलाई थी बैठक में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस के स्टैंड को लेकर नाराज थी राजस्थान सरकार ने जयपुर हेरिटेज नगर निगम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के साथ जी ट्वेंटी सम्मेलन को लेकर शहर को संवारने का टारगेट दिया लेकिन अभी धरातल पर काम शुरू नहीं हुआ है शहर में सड़कों पर निराश्रित पशु घूम रहे हैं तो जगह जगह बीस सड़क कचरा डिपो पड़े हुए हैं गलियों के साथ साथ मुख्य बाजारों में गड्ढे हो रहे हैं जिन पर मिट्टी की कट्टे डालकर लीपा की जा रही है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 जुलाई को जयपुर की यात्रा और 29 से 31 जुलाई तक जयपुर में होने वाले जी सम्मेलन से पहले हेरिटेज निगम प्रशासन से शहर की सूरत बदलने की तैयारियां शुरू की राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा कांग्रेस सरकार के खिलाफ अठारह जुलाई को अजमेर में लोक सेवा आयोग कार्यालय का घेराव करेगा भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता में इस संबंध में जानकारी देते हुए राज्य सरकार पर लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश का युवा पेपर लीक की घटनाओं से निराश है और युवाओं में सरकार के प्रति रोष व्याप्त है राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने बुधवार को थाने का निरीक्षण किया खैरथल थाना अधिकारी अंकेश कुमार से पुराने आपराधिक मामले की जानकारिया और कस्बे में अपराधी तत्वों पर रोक लगाने और कस्बे में जाम की स्थिति को देखते हुए निरंतर कार्यवाही करने को कहा और एसपी ने थाने के कंप्यूटर रूम बंदी रूम मैस रिकॉर्ड रूम सहित स्वागत कक्ष का, का भी निरीक्षण किया सरकार के कामकाज का केंद्र बिंदु जयपुर सचिवालय में बैठे अफसर भले ही वीआईपी मूवमेंट से लेकर अन्य जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था फुल प्रूफ करने के आदेश निकालते हो लेकिन सचिवालय की खुद की सुरक्षा व्यवस्था फुल प्रूफ नहीं है सचिवालय में सुरक्षा विंग के अफसर का इस बारे में कहना है कि सचिवालय में सौ फीसदी सुरक्षा व्यवस्था फुल प्रूफ नहीं है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है एंट्री गेटों पर लगे सुरक्षाकर्मी भी ऑफ कैमरा स्वीकार करते हैं किसी की गाड़ी बिना पास के एंट्री नहीं करने देते तो ऊपर से फोन आ जाता है साथ ही कहा जाता है कि हिम्मत कैसे हुई गाड़ी रोकने की मेरे गेस्ट हैं इसे अंदर आने दो राजस्थान के खाद्य पदार्थ व्यापारियों ने मंडी सेस को घटाकर एक फीसदी करने और कृषक कल्याण फीस को समाप्त करने की मांग की है राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के चेयरमैन बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि हमने सरकार से मोटे अनाज पर आढ़ दो प्वाइंट पच्चीस फीसदी और हनुमानगढ़ जिले की मंडियों में धान की सरकारी खरीद जल्द कराने की मांग की है इसे बगोल धनिया के लिए उद्योग पार्क घोषित करने को भी कहा गया है राज्य में कोटा न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश क्रम टू ने संतान संबंधी तिथ्य छिपाकर कर कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर नगर पालिका चुनाव लड़ने की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत के आदेश को अपास्त कर दिया वहीं इटावा थाना पुलिस को इटावा नगर पालिका अध्यक्ष रजनी सोनी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं अधिवक्ता मनोज पुरी ने बताया कि इटावा के रजत पारिता और महावीर नागर ने इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट इटावा के समक्ष परिवाद पेश किया था परिवाद में बताया गया था कि नगरपालिका चुनाव में इटावा के रजनी सोनी उसके पति महेंद्र उर्फ रिंकू सोनी ने तीन संतान संबंधी तथ्य छिपाकर कर कूटरचित दस्तावेज पेश किए दौसा खंड के गांव छारेड़ा स्थित भारतीय शाखा की कर्मचारी कैशियर राजेश कुमार मीणा ने करीब एक दर्जन मृत लोगों के खातों से करीब साढ़े चार लाख की पेंशन राशि का गबन किया था राजस्थान में कोटा के रामपुरा स्थित पुराने सैटेलाइट अस्पताल के बहिरंग विभाग का प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अमित धारीवाल ने फीता काटकर कर शुभारम्भ किया राज्य के नगरीय विकास एवं स्वास्थ्य शासन मंत्री शांति धारीवाल के पुत्र एवं नव नियुक्त प्रदेश कांग्रेस महासचिव अमित धारीवाल ने इस मौके पर बताया कि उनका खुद का जन्म भी इसी अस्पताल में हुआ था और ये उनका सौभाग्य है कि उसी अस्पताल की बहिरंग विभाग के नवीनीकरण के कार्य का उन्होंने लोकार्पण किया फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ